हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने वाली हूँ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्जित है कि नर और नारायण नाम के दो भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने इन्हें इनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा वर्तमान रहेंगे। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और केदारनाथ में रहने लगे। शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या पाप तभी मिट सकता है जब शिव पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडव अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुँचे तब वहाँ शंकर जी प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव जी को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देखकर शिव जी ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव जी की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख पर पैर फैलाकर खड़ा हो गए। तभी सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगे, लेकिन भैंस बने शिव जी ने पैर के बीच से निकलना जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहाँ भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर भीम ने पीठ की तरफ से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की शक्ति एवं भक्ति से दृढ़ निश्चयों को देखकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठ भाग के रूप में तभी से चली आ रही है। यही के